नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में जनपद के सभी थानों पर जनता की समस्याओं के समाधान हेतु आयोजित वादी दिवस के अवसर पर थाना प्रभारियों द्वारा विवेचनाधीन मामलों के वादीकण को थाने पर बुलाकर विवेचक के साथ समीक्षा की गई एवं मामलों तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। वहीं इस क्रम में आज सीओ हाईवे देश दीपक सिंह द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक गुरुवार को आयोजित किए गए वादी दिवस के अवसर पर थाना पागबड़ा पर वादीगण को थाने पर बुलाकर विवेचकों के साथ समीक्षा की गई एवं मामलों तथा शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कुछ केस जिनकी विवेचना की जा रही है लेकिन अभी तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है। इस बारे में सीओ हाईवे देश दीपक सिंह ने यह निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पीड़ितों की बात सुनकर उनको इंसाफ दिलाया जाए और जो आरोपी हैं उनको पकड़कर कार्यवाही की जाए। वादी दिवस पर पीड़ितों ने अपनी शिकायतों के बारे में बताया और जल्द से जल्द कार्यवाही करने की अपील की। थाना पागबड़ा की ओर से वादीगण के बैठने के लिए थाना पागबड़े में ही व्यवस्था की गई तथा जल की भी व्यवस्था की गई जिससे कि वादीगण को कोई परेशानी ना हो और वह अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों को संपूर्ण रूप से बता सके। आपको यह भी बता दें कि जब से देश दीपक सिंह ने सीओ हाईवे का चार्ज संभाला है तब से वह कानूनी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं जिससे कि पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जाए जिससे कि थाना पागबड़ा क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था बनी रहे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हर बृहस्पतिवार को प्रत्येक थाने पे वादी दिवस का आयोजन किया जाता है, इसी अनुक्रम में आज मेरे द्वारा और साथ में थाना प्रभारी के साथ में वादी दिवस का आयोजन थाना पागबड़ा में किया गया है और इस समय अभी तक 10 वादी आ चुके हैं जिसमें प्रार्थना पत्र के वादी भी हैं, साथ में मुकदमे के भी वादी हैं और इनके सभी समस्याओं को सुना गया और साथ में सभी जो भी हल्का प्रभारी थे या चौकी प्रभारी थे उनके साथ डिस्कशन किया गया है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है और जितना जल्दी कार्रवाई हो सकती है उससे संबंध में वार्ता की गई है और उसी संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रार्थना पत्रों को और मुकदमों को सही तरीके से और सही दिशा निर्देश के साथ निस्तारण कराना सूचित कराया जाए। इस संबंध में आज वादी दिवस के अवसर पे हम सभी के द्वारा आज क्षेत्र के सभी संबंध व्यक्तियों के साथ वार्ता की जाएगी, उनसे डिस्कशन किया जाएगा, क्षेत्र के समस्याओं के बारे में जाना जाएगा और साथ में लोगों के साथ उनको अवगत कराया जाएगा और इसी अनुक्रम में आज थाने के कर्मचारियों से मीटिंग की जाएगी, सभी कर्मचारियों से मीटिंग की जाएगी तो उनको दिशा निर्देश किया जाएगा ताकि हमारे क्षेत्र में जो भी अपराध हो रहे हैं उन पर सही तरीके से हम लोग कार्रवाई कर सकें और साथ में निरात्मक कार्रवाई करके उन अपराधों को होने से घटित होने से रोका जा सके। अब हम अपने दर्शकों को और जनता को यह बता दें कि जनपद मुरादाबाद में हर गुरुवार को सभी थानों पर वादी दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसका आप लोग आसानी से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा है या आपकी कोई शिकायत है तो आप गुरुवार को अपने थाने पर जाकर अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं जिनको अधिकारी संज्ञान में लेते हुए तुरंत एक्शन लेते हैं और संबंधित को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो हम आशा करते हैं कि इस खबर के जरिए हमारे दर्शकों और जनता को यह पता चल गया होगा कि थानों पर जाकर अपनी शिकायतों का निस्तारण कराने के लिए आपको जरा भी घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल द्वारा पुलिस और पीड़ितों के बीच बहुत पारदर्शिता कर दी गई है। वहीं थाना दिवस के अवसर पर थाना पागबड़ा में सीओ हाईवे देश दीपक सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित कुमार चौधरी, वरिष्ठ उप निरीक्षक उमा शंकर आदि उपस्थित रहे।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।